हेलो गाइस, दिस इज द रोहित, आई एम बैक विद द वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है जो एग्ज़ाम हैं एलएलबी वालों के, बीएलएलबी वालों के जो सब्जेक्टिव होने वाले थे इस साल, लास्ट ईयर जो हुए थे वो ऑब्जेक्टिव हुए थे बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, एंड नाउ कोविड-19 की वजह से ही या उस सिस्टम को लागू ना करते हुए सब्जेक्टिव होने वाले थे, उसी तरीके से बच्चों ने तैयारी की थी, स्टूडेंट उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि सब्जेक्टिव उनको जो है एग्ज़ाम देने हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी जब कोविड-19 की वजह से मेरे भी एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें आपको इसीलिए अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि मेरे साथ जो हुआ था वो आपके साथ ना हो। मेरे साथ क्या हुआ था, अब आपको ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने क्वेश्चन होंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे, कोई आपका राइटिंग गलत है तो उस पर नहीं काटेगा कोई, या नहीं फुल में से फुल ही आपको मिलेंगे, जो कि आपकी भ्रांति होती है, इसको अभी दूर करूँगा, एक सेकंड रुक जाओ अभी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ आपको कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, किस बेस पे बता रहा हूँ, मेरे को क्या अधिकार है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप मेरी क्यों मानोगे। देखिए हुआ क्या, जब मैंने एग्ज़ाम जो दिया था पेपर इंग्लिश का, तो हुआ क्या था, उसमें से 100 क्वेश्चन थे, उसमें था 100 आउट ऑफ 15 जो अटेम्प्ट करने थे, 50 जो आप सही करोगे तो उसमें 100 नंबर, एक क्वेश्चन दो नंबर कैरी कर रहा था, तो उसमें मैंने जो है बिल्कुल 50 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के बचे भी थे लेकिन 50 क्वेश्चन जो किए थे बिल्कुल सही थे, मेरे को 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नंबर जो है मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट आया तो 88 मिले थे उसमें, तो उसमें जो 12 नंबर थे वो कहाँ कट गए, ना तो मेरा राइटिंग गलत था, क्योंकि राइटिंग का तो इशू ही नहीं है ना उसमें, उसमें तो इशू था कि आपको टिक करना है, काम खत्म, तो उसमें ऐसी क्या गलती हुई जो 12 नंबर मेरे उड़ा दिए। फिर मैंने जाके टीचर से बात की, मैंने कि जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने कि हो सकता है कि कोई गलत ना हो जाए मेरे से, टीचर से चेक करवाया मैंने, उन्होंने भी बोला कि हाँ आपके सभी सही हैं, तो मैंने बोला कि क्या मैं रीचेक करने के लिए जो एप्लीकेशन डाल दूँ यूनिवर्सिटी के लिए ताकि रीचेक हो जाए और मेरे नंबर जो उसमें जुड़ जाए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने उनसे पूछा कि नंबर मेरे क्यों कटे हैं, फिर क्या गलती हुई होगी मुझसे या क्या गलती मैंने की है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम ना करूं या नेक्स्ट टाइम आप लोग ना करो, तो मेरे नंबर कटे क्यों हैं, फिर मतलब मेरे क्वेश्चन तो सभी सही है ना, फिर नंबर क्यों काट लिए। तो देखिए आपको एक मिनट पेपर के रेफरेंस से ही मैं बताता हूँ, पेपर रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो है, तो उसमें जो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप फ्रंट पेज जो देखोगे उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं आपको पढ़ने के लिए, जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो कि हमको पता तो होते हैं लेकिन हम फिर भी अवॉइड कर देते हैं, वो क्या क्या हैं वो मैं आपको लिटरली बताऊंगा, ये वीडियो कंप्लीट देखना अगर आपके भी एग्ज़ाम ओएमआर सीट पे होने वाले हैं, तो ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन का सिस्टम अलग होता है। सबसे मेन इंस्ट्रक्शंस आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको समझने चाहिए, आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन आपको टाइम नहीं है, नहीं पढ़ना चाहते आप, तो जो मैं बता रहा हूँ बस उनको ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपको इसको जो है जब खोलना, जब टीचर बोलें, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको तभी खोलना जब आपको टीचर बोलेंगे, क्योंकि वो देंगे उसके बाद बोलेंगे करना शुरू कर दो, तो तब आप जो है करना शुरू कर देते हो, लेकिन इसमें एक और बात है, इसमें जब आप पढ़ते हो इसको, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे पेपर मिल जाता है पहले पढ़ के देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप कर सकते हो, कि जब भी आप इसको खोलते हो तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो गलत है, जैसे कि ये पेपर जो है दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसमें दोनों जो है तरफ दिया गया, फोटो मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का आता है, क्वेश्चन दिए गए होते हैं पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए होते हैं, तो उससे आपको ये समझना चाहिए कि कोई क्वेश्चन गलत प्रिंट भी हो सकता है, जो कि मेरा निकला था एक बार, तो मैंने टीचर से पूछा था कि अगर हिंदी में तो गलत था, इंग्लिश में और हिंदी में मतलब दोनों की अलग अलग प्रिंटिंग थी, तो हिंदी में गलत था, तो मैंने कहा अब इसको अटेम्प्ट कैसे करूँ, ऑप्शन नंबर वही थे और जो प्रिंटिंग गलत हो गई थी, अब मैंने कहा ऑप्शन कौन सा लगाऊं मैं, हिंदी में कुछ और आ रहा है, इंग्लिश में कुछ और आ रहा है, क्या करूं, तो इंग्लिश में जो है प्रेफरेंस दी थी कि इंग्लिश वाला आप लगा दो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंग्लिश वाले से मतलब है जो इंग्लिश में दिया गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम चेंज हो गया और इंग्लिश से हिंदी मीडियम चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही सीक्वेंस होता है सभी का, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो अगर आपका मिसप्रिंट हो जाता है तो आपको इंग्लिश को फॉलो करना है, ना कि हिंदी को, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारा, चार ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही होती है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आप गलती से कोई और ऑप्शन लगा दोगे, कोई और ऑप्शन आप लगा दोगे, फिर क्या करते हो आप, या तो नाखून से खरोंच दोगे उसे, या फिर वाइटनर उसके ऊपर लगा के कोई दूसरा ऑप्शन लगा दोगे, जैसे ही आपको फ्रेंड से या किसी और से या टीचर से पता चल जाता है या आपके माइंड में बाद में आ जाता है कि हाँ ये तो गलत लगा दिया, ये वाला सही था, तो आप ऐसे ही करते हो, नाखून से हटा दिया या फिर वाइटनर उसके ऊपर लगा दिया और
बाद में उसको सही कर दिया, तो वो आपका क्वेश्चन तो जुड़ेगा कि आपने अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्रॉच दिया वो वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे कोई टीचर नहीं बैठा, इस चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं जो कि चेक कर रही होती हैं, उस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा आपका जो पहले आपने अटेम्प्ट किया, क्योंकि आपने चार ऑप्शंस में से एक को पूरी तरह से हटा दिया, क्रॉस दिया, सफ़ेद कर दिया पूरी तरह से या वाइटनर से, तो इसीलिए वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, चार ऑप्शंस में से आपको जो फिल करना होता है एक, वो प्रॉपर फिल करना होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कौन सी नई बात है ना, जो मेरा गलत हुआ था, यही गलती सबकी होती है, प्रॉपर नहीं करते उसको। प्रॉपर का मतलब होता है गोला जो होता है, गोल गोल जो सर्किल होता है उसको पूरा फिल करना है आपको, ऐसा नहीं करना कि कहीं भी आपको ऐसे ऐसे घुमा दिया, कहीं थोड़ा बहुत भी रह गया, क्योंकि वहाँ पे कोई गंदा, मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई टीचर वहाँ पे चेक नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन करती है, प्रॉपर देखती हैं कि प्रॉपर आपका जो गोला हुआ है वो फिल है या नहीं है, जो फिल नहीं है, मेरा भी यही गलती हुई थी, मेरे पेपर में जो कम नंबर आए थे इसी वजह से आए थे कि मैंने जो गोला कहीं ना कहीं रह गया होगा, मुझे भी लगता है हाँ रह गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, जब बाद में ठोकर लगी तो पता चला कि टीचर ने बताया कि पूरा गोला भरना होता है, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है। अब तीसरी बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ब्लैक पेन लें, ब्लू पेन लें, जेल पेन लें, या फिर ले लें पेंसिल, किससे करें, तो ये तो आपको पता ही होगा, वॉल पेन लेनी है चाहे ब्लैक हो या फिर ब्लू, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, वॉल पेन लेनी है ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, आप दोनों में किसी को भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना, आपको जो सर्किल है वो पूरा फिल करना है, अगर वो फिल गलत हो जाता है तो उसको खरोंचना नहीं है, उस पर वाइटनर नहीं लगाना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप उसका बुकलेट का पर आंसर जो बुकलेट होती है आपकी, उसमें कुछ गलत हो जाता है उसमें तो कर देते हैं, वाइटनर लगा दिया उसमें सही कर दिया, लेकिन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो ऐसा नहीं करना है आपको, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर ना कटें तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, और इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अवॉइड तो हर कोई करता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें हल्के में नहीं लेना, क्योंकि नंबर इससे कट होते हैं, तो आपको नंबर घट करने हैं तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो मान लेना मेरी बातों को, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना, और जिनके भी पेपर हैं आपके भाइयों के दोस्तों के शेयर जरूर कर देना उनके पास में, और आपका अगर कोई और डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।